हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ प्रिया डोगरा एंड आई एम बैक अगेन विद अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जो कि इंटर्नशिप रिलेटेड रहेगी, जिसमें से एक इंटर्नशिप आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से प्रोवाइड की जा रही है और एक आपको TCS की तरफ से रहेगी। दोनों इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल रहेंगे, क्या बेनिफिट्स रहेंगे, छोटी से छोटी डिटेल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो मेरे साथ बने रहिए वीडियो के एंड तक। बाकी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलते हैं मेन प्लेटफॉर्म्स की तरफ। आज का हमारा मेन प्लेटफॉर्म है, सबसे पहले गवर्नमेंट इंटर्नशिप के बारे में बताना चाहूँगी। गवर्नमेंट इंटर्नशिप की सारी डिटेल आपको लिंक्डइन के इस पोस्ट पे मिल जाएगी। सो ये इंटर्नशिप निकल कर आ रही है ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर फौजिया खान के अंडर। इनके ऑफिस में ही इंटर्न्स की रिक्वायरमेंट है। सो यहाँ पे इनके जो पोस्ट है, पोस्ट में सारी चीज़ें लिखी गई हैं, सारी चीज़ें मेंशन की गई है कि इंटर्न्स को यहाँ पे हायर किया जा रहा है जिन्होंने अपनी डिग्री की है लॉ, पब्लिक पॉलिसी, इकोनॉमिक्स और ह्यूमैनिटीज़ में। इस फील्ड्स में अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन की है सो यू गाइस कैन गो अहेड एंड अप्लाई फॉर दिस इंटर्नशिप प्रोग्राम। अराउंड अबाउट यहाँ पे 4 to 5 इंटर्न्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। इस इंटर्नशिप की अगर मैं बात बताऊँ तो आपको अनपेड इंटर्नशिप रहेगी, बट बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा। यहाँ पे इंटर्न्स को डायरेक्टली पार्लियामेंट मेंबर के अंदर काम करने का मौका मिलेगा। जितने भी पार्लियामेंट के अंदर कोई भी तरह की पॉलिसी वर्क होता है, मेमोज बनते हैं, ब्रीफ्स बनते हैं, सो वो सारी चीज़ों के अंदर जैसे भी रिसर्च वर्क चलती है तो उसमें इंटर्न्स को यहाँ पर इन्वॉल्व किया जाएगा डायरेक्टली। आपकी जो इंटर्नशिप रहेगी इट विल बी कम्प्लीटली रिमोट, मतलब आपको वहाँ पे जाके इनके ऑफिस के अंदर काम करना पड़ेगा। इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूँ कि कैंडिडेट्स किन को प्रेफरेंस मिलने वाली है, जो कि अपने सोशल मीडिया में बहुत अच्छे हैं या आर्टिकल राइटिंग में बहुत अच्छे हैं, कॉन्टेंट राइटिंग में बहुत अच्छे हैं, सो यू गाइज कैन गो अहेड। अगर आप इन फील्ड्स में अच्छे हैं, आपने डिग्री की है लॉ, पब्लिक पॉलिसी, इकोनॉमिक्स एंड ह्यूमैनिटीज़ और आपको अच्छा खासा नॉलेज है कॉन्टेंट राइटिंग का, आर्टिकल राइटिंग का एंड सोशल मीडिया का, तो आपको यहाँ पर स्पेशल प्रायोरिटी दी जा सकती है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अच्छा मौका है। जैसे आप अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट कर लेंगे आपको यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरफ से इंटर्नशिप सर्टिफिकेशन मिलने वाली है। सो आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल से प्रोसेस में आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपने अपना रिज्यूमे, ये पर्टिकुलरली जो मेल आईडी दी गई है यहाँ पे आप अपना रिज्यूमे सेंड करेंगे, साथ ही साथ आपको एक राइटिंग सैम्पल यहाँ पे सेंड करना होगा कि किस तरह के आर्टिकल अभी तक आपने लिखे हैं, कोई रिसर्च वर्क किया है, तो वो आप यहाँ पे साथ में सबमिट कर सकते हैं। सो ये तो थी हमारी फर्स्ट इंटर्नशिप प्रोग्राम जो कि आपके लिए निकल कर आ रहा है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरफ से। फटाफट से जाके इसके लिए अप्लाई कर दीजिए। कोई भी डाउट रहता है आप यहाँ पे इनके साथ बात भी कर सकते हैं, इन्होंने अपना नंबर ड्रॉप किया है, अपनी मेल आईडी ड्रॉप की है, कोई भी क्वेश्चन हो आप डायरेक्टली इनसे कंसल्ट कर सकते हैं। सो ये तो थी हमारी फर्स्ट इंटर्नशिप। चलते हैं सेकेंड इंटर्नशिप की तरफ। सो ये है TCS की तरफ से एस करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम। थोड़े थोड़े दिनों में TCS की तरफ से ये ग्लोबल इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च किया जाता है सभी IT एंड रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए जो कि अपना करियर बनाना चाहते हैं TCS के अंदर। यू गाइस कैन गो अहेड एंड अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम। यहाँ पर रिसर्च इंटर्नशिप भी आपके लिए निकाली गई है, कौन कौन से स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फाइनल ईयर में हैं अपने BE BTech के, या आपने MTech कर रहे हैं, MS कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। किसी भी फील्ड से अगर आप कर रहे हैं तो आप यहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर के अंदर आपको काम करने का मौका मिलता है। इसके अलावा IT वाले स्टूडेंट्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी नई नई चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने का मौका मिलता है। क्या रोल रहता है एक इंटर्न का यहाँ पे इस पर्टिकुलरली इंटर्नशिप के अंदर, जो कि हमारी करियर एस डेवलपमेंट इंटर्नशिप है। इसके अंदर स्टूडेंट्स को मोस्टली फोकस करना होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर। जितने भी प्रॉब्लम्स आती है वो आपको सॉल्व करनी होती है। तो यहाँ पे ये भी लिखा गया है कि आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिलेटेड क्या क्या रहेगी, किसी भी तरह के रिसर्च प्रॉब्लम्स आती है उसके लिए कोई सोल्यूशंस होंगे वो आप ढूंढ के देंगे। इसके अलावा कोई भी प्रोटोटाइप के सोल्यूशंस होंगे वो भी आप यहाँ पे फाइंड आउट करके देंगे। किसी भी तरह का रिसर्च पेपर जो है वो पब्लिश करना है, जर्नल्स पब्लिश करने हैं, कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करनी है, सो वो सारी चीज़ें आप पब्लिश करेंगे, ये आपका काम होगा यहाँ पे। इसके बाद रिसर्च के एग्जीक्यूशन का काम भी आपका रहेगा। लर्निंग एंड डेवलपमेंट भी आपको यहाँ पे
अच्छी खासी होने वाली है. यू विल बी एबल टू लर्न अबाउट द इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजीज इन इंडस्ट्रीज. इसके साथ साथ क्या क्या चैलेंजेस फेस करती है इंडस्ट्री उसके बारे में पता चलेगा. कोई भी रिसर्च रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी उसको कैसे सॉल्व करना है वो भी आपको यहाँ पे पता चलेगा. सो डोंट वरी, आपको TCS के जो गाइड्स होते हैं उनके अंडर ही काम करने का मौका मिलेगा. बाकी बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपके लिए, टाइम टू टाइम लॉन्च किया जाता है. सो अभी भी लाइव है, आप जाके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. सो अप्लाई कैसे करना है, इफ़ यू गाइज वॉन्ट टू अप्लाई फॉर इट, तो यहाँ पे एक फॉर्म का लिंक दिया गया है, क्लिक करेंगे आप इस तरह से TCS के इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के अंदर पहुँच जाएंगे. क्या क्या डिटेल्स पूछी जा रही है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कॉलेज, डिपार्टमेंट दे सकते हैं, एकेडमिक बैकग्राउंड यहाँ पे देना होगा, डिग्री, क्वालिफिकेशन, कोर्स नेम, ईयर ऑफ पासिंग क्या है, CGPA क्या है, परसेंटेजेस क्या है. उसके बाद आपके पास यहाँ पे लोकेशन बतानी होगी, कब से कब तक आप करना चाहते हैं इंटर्नशिप, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर दे के आप यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन सेंड कर सकते हैं. सो बहुत ही छोटे से प्रोसेस में आपकी ये TCS की एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाती है. सो आई होप आपको कोई डाउट नहीं रह गया होगा. अगर किसी भी तरह का डाउट रहता है सो मुझसे पूछना ना भूलिएगा, कॉमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं. ये एक बहुत अच्छे काम आप कर सकते हैं, हम डायरेक्टली मेरे साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आप 1-on-1 मुझसे कोई भी तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं. सो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे.